हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चटनी बनाना सिखाऊंगी जिसे आप काफी दिन फ्रिज में रख सकते हैं। पराठे बनाइए, उस पे वो चटनी लगा के रोल बना के खाइए, रोटी के साथ, दाल चावल, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी डाल रही हूँ भूनने के लिए। ये मैंने 2 चम्मच जीरा और धनिया करीब 2 या 3 टेबलस्पून होगा, डिपेंड्स आपको कितनी चटनी बनानी है। ये देखिए मैंने कितना सारा लहसुन कूट के रखा है, सो इसलिए मसाला उसी बेसिस पे मैं ले रही हूँ। सो इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे जब तक ये खुशबू नहीं आ जाए और हल्का सा कलर ना ले ले धनिया। मैंने गैस बंद कर दी है, अब मैं गरम पैन में ही हल्का सा इसे और भून लूंगी। देखिए इसमें से धुआं आने लगा है और ये अच्छा भुन गया है, जीरा भी ब्राउन हो गया। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में ताकि वो ठंडा हो जाए। नेक्स्ट मैं ये सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। और मैं इन्हें भी बढ़िया सा भून लूंगी। भूनने के बाद मैंने ठंडा करके ये जो हेड है, ये देख रहे हैं ऐसा वाला पार्ट, उसे मैं कैंची से काट दूंगी। हम गैस ऑन करके हल्का सा मिर्च को भून के क्रिस्प बना लेते हैं। ये देखिए मिर्च भी काफी अच्छे से भून के इसने कलर ले लिया। अब हम इसे भी ठंडा करने के लिए इसमें डाल देते हैं। तो जैसे ही मिर्च ठंडी हो जाएगी मैं इनके ये टॉप कट करके इनको मिक्सी में हल्का सा दरदरा पाउडर बना लूंगी। ये देखिए मैंने एक दरदरा मसाला पीस लिया है, बीच मैंने जितना हो सकता था मिर्च काटते वक्त ही निकाल दिया था। अब मैं इसमें ये लहसुन मिला दूंगी, कूटा हुआ है। ये अच्छे से हम मिक्स कर रही हैं। इसमें मैं अब नमक मिला दूंगी। अगर आपके पास अमचूर है तो अमचूर, मेरे पास ये काचरी है, ये ट्रेडिशनल राजस्थानी खटाई है, मैं ये डाल रही हूँ। आप अमचूर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, अच्छा सा रंग आ जाए। सारा मिक्स करके अभी हम तेल में इसे डाल के हल्का सा भून लेंगे और सेक लेंगे। ये देखिए मैंने खूब सारा तेल गरम किया है कढ़ाई में, थोड़ा ज्यादा तेल इसलिए ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। चटनी के साथ आप कम तेल में भी बना सकते हो, फ्रिज में रखना पड़ेगा, बाहर रखने के लिए ज्यादा तेल चाहिए। और फिर अगर इसका तेल बच जाए यू कैन यूज इट फॉर योर नॉर्मल कुकिंग, वो एक फ्लेवर देगा, चिली एंड गार्लिक ऑयल जैसे बन जाएगा वो। मैंने डाल दिया, और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए सारा तेल पी गया, जैसे जैसे कुक होगा वो तेल भी ये बाहर छोड़ देगा। तो अब हम इसे स्लो आंच पे पकाएंगे ढक्कन लगा के, बीच बीच में हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं चिपके नहीं। ये देखिए मैंने इसे ढक्कन लगा के बना रही हूँ, तेल धीरे धीरे बाहर आना है, पर अभी हम इसे काफी सेकेंगे। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, जो भी तेल प्रेफर करते हैं यूज कीजिए। मैं इसे साथ साथ हल्का हल्का और कूटते जा रही हूँ, जो बड़े बड़े कुछ चंक दिख रहे हैं। Spread this on your roll, franky, vada pav. Trust me, this tastes so good, I can't tell you.
एंड ये सारा सामान घर पे इजीली अवेलेबल होता ही है। अब मैं इसे फिर से ढक के थोड़ी देर और पका लूंगी। सो ये मैंने काफी देर भून लिया है। वाह, मैंने तेल पूरा इसने सोख के अच्छे से भून गया है। लकड़ी तेल सही अंदाजे से मैंने डाला था। ये अच्छे से सूखी सी ये चटनी बन गई है, मज़ेदार सी। अब मैं एक स्विच ऑफ करके गैस इसे ठंडा कर लूँगी। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा एक दो घंटे के बाद, मैं इसे क्लीन ग्लास जार में डाल के फ्रिज में रख लूँगी। रोटी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, खाखरे पे लगा के खाइए, बर्गर पे, एज अ फ्रैंकी, कैसे भी खाइए। दिस इज़ अ वेरी यमी टेचा, लहसुन दा टेचा, माय स्टाइल। इट्स नॉट लहसुन दा टेचा बट लहसुन चटनी, बट माय स्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।